बाबू को चोट लग गया, बाबू को चोट लग गया। सो गाइस, आज हमारे आने वाले हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट। सो उसकी हो रही है तैयारी और मैं बना रही हूँ मतलब पुलाव और वो क्या बोलते हैं उसे दाल, फ्राइड दाल, सब्जी, रायता और मैं सोच रही हूँ कि पकौड़ी भी छान दूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं चाची पहले आप पकौड़ी छान दो। पकौड़ी तो देखी होगी बेटा, फिर आप तो खाओगे नहीं। पकौड़ी नहीं खाते हैं, पकौड़ी नहीं खाते हैं, मैं तीखा नहीं खाती पकौड़ी। हाँ तो फिर इसलिए तो अभी नहीं बनाया है कि सब्जी बना लेती हूँ। रायता मुझे अच्छा लगता है, रायता मैंने पी लिया। तो रायता भी तो तीखा रहेगा। आप लोगों को जुकाम हुआ है ना? हाँ। अभी आप लोगों को कुछ नहीं दिया जाएगा वो अभी यार। ओए लगे ना बेटू, चाची पेशा को भी जुकाम हो गया, बहुत ज्यादा इसको जुकाम हो गया है। रुक जा चाची। आप अपने नानी के घर कब जाओगे? बस जाने वाले हैं हम लोग, पता नहीं नानी के घर, नानी दादी के घर, पता नहीं मुझे अभी। हम जाने वाले हैं, हम जाने वाले हैं। आप जाने वाले हैं? क्या चाहिए आपको? जब नीचे उतरना, बड़ी दी जब बड़ी दिवाली आ जाएगी तो हम चले जाएंगे। अच्छा, तो आप तो दिवाली पे यहाँ नहीं रहोगे? कल आएंगे। नहीं, जब छोटी दिवाली आएगी तब आएंगे। अच्छा, तो आज जा रहे हो आप लोग नानी के घर? जब बड़ी दिवाली आएगी तब। अच्छा, अभी नहीं, कल। सही है ना, घूम के आओ। मजा आता है घूमने में। चाची आप पैकेट में क्यों रखते हो? डिब्बा में आप इसमें क्यों रखते हो? डब्बे हैं तो बहुत ज़्यादा डब्बा नहीं पतली हो गई तो और अच्छा ही है। हाँ। लोग पतला होने के लिए सोचता है, कितना सोचता है। हाँ। तिल्ली क्या बोल के गई चाची? बोली कि मम्मा बुला रहे हैं वो। अच्छा। हाँ। चाहिए बाबू। हाँ उनसे तभी वो देना, नहीं तो ये दिवाली बोलो बेटा। थैंक यू, ये लीजिए, ये पूरा आपका कोल्ड ड्रिंक पसंद करेंगे आप? लीजिए लीजिए। अच्छा पानी। अच्छा भारी लग रही है। अच्छा इसमें आपके फ्रेंड लोग है ना, ये
केयर करके वैसे भी खाती है, हाँ। नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, आप मेरे घर आ रही थी तो इतना सामान की क्या जरूरत थी? क्या है मतलब कि मैं इसके लिए लेके आऊँ? थैंक यू। आपने थैंक यू कहा? अच्छा पूछी दे दो, पूछी दे दो, पूछी दे दो, दे दो पूछी। मौसी और देंगी चॉकलेट क्यों? अब इसे कोई देखिए बाबू सब उसी के लिए लड़ रहे हो, बताओ तो कैसे तुम सरोजनी मॉर्निंग में चला जाएगा फिर। मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग जैसे 11 बजे तक सारी चीजें खुल जाती है, ठीक है? तो हम लोग रेडी हो जाएंगे और फिर निकलने वाले हैं। आज देखा जाए कि नया हाँ ठीक है। कल परसों में गए थे बेलन देखने, कैसी लगा? अच्छी लगी। सबसे अच्छी बात है ना कि आप लोग आए, सच में बहुत अच्छा लगा। सिवान में मिल रहे हैं हम लोग, आ रहे हैं घर। हाँ तो क्यों नहीं मिलेंगे? नहीं है ना कि हम ही लोग का फिक्स नहीं है। चिल्ला रहे चिल्ला रहे। मासी फोन देंगे। कहाँ भाऊजी क्या? फोन। बस मासी के पास जाना है फोन के लिए और किसी चीज के लिए नहीं ना। पहले मासी को पूछी। ओ माय गॉड। इधर इधर इधर। हाँ फोन है, फोन 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 देखने के लिए। कितने बजे का है? हाँ शो कितने बजे का है? 10:20 का है। स्पोर्ट्स के पहले नहीं है? आपको लगा दूँ? आप बोर हो रहे हैं क्या प्रिंस भैया? 8 बजे है, यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है, इतना पास है। हाँ तो यही तो है, यही तो है पास में। हाँ एम्पो मिराज M4U होगा ना। लगा दूँ? हाँ आप जो देख रही थी। 8 बजे का है, 7 बज गया। यही तो है, दिन भर मेरे घर चलता रहता है। तो कुकु बोलने आता भी तो विटाउट ऐड है। ये इतनी पतली है ना, इसको खिलाए पिलाए कीजिए कुछ। दी मैं खाती हूँ लेकिन इसका खाना मैंने देख लिया। दही और जलेबी अच्छा काम करेगा इसमें। हाँ मीठा ज्यादा खाए। अच्छा कोई बात नहीं, धीरे धीरे मोटी होगी तो सही होगा। नहीं ज्यादा मोटी नहीं लेकिन। आप कैसे पतली हुई हैं? मैं अपने आप हो गई। बॉडी तो ठीक है, अपने आप से टेंशन से वैसे मुझे लगता नहीं। आप लोगों को देखता है, देख लगता है कि मैं टेंशन दे सकता हूँ। नहीं नहीं, 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 आप नहीं, और भी तो बहुत सारी चीजें होती हैं। दिन भर इसको संभालते संभालते मेरी हालत एकदम टाइट हो जाती है। मैं कहता हूँ जिनसे मतलब है उनके बारे में सोचना क्यों, क्यों टेंशन लेना। नहीं, नहीं, ये बहुत प्यारी है। जब जीवन में दुख है तो हमेशा अच्छी चीजों को याद किया कीजिए, है कि नहीं? की फिर परसेंटेज कम हो जाता है, जो हम जो खराब समय के परसेंटेज होता है ना वो कम हो जाता है। कितने सारे तो अच्छे हैं दिन यार, लेकिन नहीं हो पाता है, ये ह्यूमन नेचर है। वो तो टाइम में आएगा तो बादल जैसे आता है, जैसे बरसेगा ही बरसेगा। अब इसमें ऐसा नहीं, अब बताइए ना अगर मौसम में से बरसात का सीजन हटा दिया जाए तो कैसा लगे? तो वही चीज है, बादल आ रहा है तो एंजॉय करो, बरस जाएगा सब, लयिक हो जाता है, वैसे सब मस्त है। वो तो है फ्रेंड्स भैया, लेकिन ना एक ह्यूमन नेचर होता है। अगर आपको कोई चीज सुनने में आया या फिर कोई बता दिया या फिर आप, तो वो ना ह्यूमन नेचर आपके दिमाग में फिट हो जाता है, अब वो चलता ही है। अच्छा जब भी ऐसा कुछ ऐसा समय आएगा या ऐसा सिचुएशन आएगा तो वो चीजें जरूर हिट करेगी आपके दिमाग में एक बार। हाँ चाहे कितना भी आप सोच लो, उसको अपना हथियार बनाओ। क्या? अरे नहीं ये सब चीज पता है कब याद आता है? जब खराब होने लगता है ना तब एक एक करके याद आता है। इस साला मेरे पीछे पड़ा हुआ था, ऐसा ऐसा बोला था, बताए और बताए, ऐसा ही होता है। और ऐसे नॉर्मल अगर हम बात कर रहे हैं ना, अच्छा चल रहा है तो सब अच्छा लगता है किसी का, और खराब जब होता है तो सब खराब लगने लगता है। उसका हाँ बोल दिया तो वो भी खराब लगने लगेगा कि देखो हम बैठ के वहाँ पे हाँ बोल रहा है। तो यही चीज है, जब खराब बनता है तो सब चीज खराब लगता है। चलो हम लोग
वही बता रहे हैं, तो हमको ना अभी तक मतलब बता रहे हैं जितना भी मूवी देखते हैं ना, स्त्री फिल्म हमको बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। सो गाइस, सभी लोग आए हुए हैं और इतना अच्छा लग रहा है, घर का माहौल बिल्कुल चेंज हो गया है। घर में कोई भी आता है ना तो एक अलग ही मतलब अलग ही फीलिंग होती है सच में। मतलब मैंने उम्मीद नहीं की थी कि ये आएंगे इतनी जल्दी हमारी मुलाकात होगी, लेकिन सच में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा ही। और अब हम लोग कहीं बाहर उहर भी जाएंगे। हाँ तो अभी बाहर भी जाएंगे, तो अभी हम लोग बस ऐसे ही रेडी हुए हैं, मतलब मैं तो ऐसे ही रेडी हो गई। मैंने सोचा कि सूट डाल लेती हूँ थोड़ा सा, और दिवाली तो दिवाली वाइब्स जो है आप धीरे धीरे पूरे घर में पूरे रोड पूरे माहौल सब में अब दिखना स्टार्ट हो गया। मैं बोलते बोलते ना अपना हेडरूम भी काट देती हूँ तो बस अब जाएंगे, अब थोड़ा चाय वगैरह पी लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा रील्स बनाएंगे कुछ ऐसे, क्योंकि क्या होता है ना कि जब अपने घर परिवार वाले लोग आते हैं तो एक अलग ही माहौल होता है, और उसकी बात जो होती है वो मतलब वो फीलिंग मतलब आप अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते हो, उसकी बात ही बिल्कुल अलग होती है। सो अभी तो बस मैं बैठी हुई हूँ, अब जाऊँगी थोड़ा सा रील्स बनाऊँगी, और उसके बाद अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं बाहर जाने का, लेकिन लेट्स सी क्या होता है वो देखते हैं। तो फिलहाल चलते हैं अभी।